दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी कल भी सीबीआई की टीम के साथ है। सुशांत सिंह राजपूत की माउंट ब्लैंक बिल्डिंग पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था, वहां पर पूछताछ की गई थी। सीबीआई को पता चला है कि नीरज और सिद्धांत पिठानी के स्टेटमेंट्स भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं। यही कारण है कि आज फिर इन तीनों को बुलाया गया, तीनों को फिर माउंट ब्लैंक बिल्डिंग पर लाया गया और वहां पर फिर से क्राइम सीन रिक्रिएट करा गया। सीबीआई बहुत कुछ निकाल चुकी है और बहुत कुछ सीबीआई की पकड़ में आ चुका है। आज भी इन्वेस्टिगेशन सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग में काफी देर चली, जिसके बाद सीबीआई की टीम इन तीनों को लेकर निकल गई। जहां दीपेश और सिद्धांत पिठानी को अपने अपने स्पॉट पर छोड़ दिया गया, वहीं नीरज को सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई। कहा जा रहा है कि नीरज को सीबीआई की टीम डीआरडीओ क्वार्टर्स पर ही लेकर गई है, जहां पर सीबीआई की टीम अपना रिसर्च का काम कर रही है। नीरज, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का हाउस हेल्प था, उनका कुक था, वो पिछले 3 दिनों से सीबीआई के साथ में है। कुछ तो अहम बात नीरज से सीबीआई की टीम को मिली है, यही कारण है कि सीबीआई की टीम पिछले 3 दिनों से नीरज को छोड़ नहीं रही है। और अब कहा जा रहा है कि नंबर है रिया चक्रवर्ती का। रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर ही उनसे पूछताछ की जाएगी। रिया चक्रवर्ती को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें साथ में रखकर ही कड़े तरीके से पूछताछ की जाएगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती को समन करने से पहले सीबीआई की टीम पुख्ता जानकारियां जुटा रही है, एविडेंसेस जुटा रही है और 500 सवालों की एक लिस्ट तैयार कर दी गई है, जिस लिस्ट से, जिन सवालों से रिया चक्रवर्ती को ग्रिल किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती की अरेस्ट हो सकती है। कहा जा रहा है कि कल ही रिया चक्रवर्ती को समन किया जाएगा और वो अरेस्ट हो सकती है। ये जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं, जहां सिद्धांत पिठानी तो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त थे, लेकिन बाकी के जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, यानी कि दीपेश और नीरज, इनको रखने वाली भी रिया चक्रवर्ती ही थी और रिया चक्रवर्ती ही इन स्टाफ मेंबर्स से बात करती थी। 8 तारीख को क्या हुआ था, रिया ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, रिया गुस्से में थी या नहीं और क्या क्या सामान पैक किया था, ये सभी बातें अब सीबीआई को पता चल चुकी है। जल्द ही खुलासा होगा इन सब चीजों पर। नीरज को कस्टडी में रखने का क्या कारण है, क्या नीरज की वजह से रिया भी पकड़ में आ सकती है, यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से सीबीआई नीरज को अपने साथ रख रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।